मीन्स सपोज वी हैव गिवन द क्वेश्चन दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स. नाउ हियर इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली जीरो अगर पुट अप करते तो यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन जीरो दैट इज इंफिनिटी एंड एक्स इक्वल्स टू जीरो तो साइन जीरो इज जीरो, अगेन इट इज ए इन्फिनिटी. दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस टर्म अगेन आइदर इन द जीरो बाय जीरो फॉर्म और इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. सो लेट्स सी हियर, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म वी कैन शिफ्ट दिस होल टर्म इन टू न्यूमर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. सो हियर इट इज ए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें. सो इट इज ए साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इन टू साइन स्क्वेयर एक्स. नाउ हियर इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इक्वल्स टू जीरो में देखो ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो मतलब ये होगा न्यूमरेटर इज जीरो. हियर एक्स इक्वल्स टू जीरो साइन जीरो इज जीरो एक्स इज जीरो दैट मीन्स दिस इज अगेन जीरो बाय जीरो. सो वंस वी गेट इन द फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो तो वी अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल. सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. सो हियर और एक टर्म है जैसे ही आपको है ना साइन और या फिर टैन में टर्म मिलती है ना तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो लिमिट का फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स. इट इज ए वन. तो ये अगर फॉर्मूला है ना तो इससे ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. साइन या फिर टैन की टर्म अगर प्रोडक्ट में है ना तो उसको हटाने की कोशिश करो. जैसे ये कैसे प्रोडक्ट में गिवन. सो मैं आगे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के पहले क्या करूंगी, हियर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो न्यूमरेटर टर्म इज साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हियर एक्स रेस टू पावर फोर इंटू साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर जस्ट एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है ताकि यहाँ पे साइन स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर के साथ में यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वेयर सो दैट वी विल यूज दिस फॉर्म. नाउ हियर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो इस टर्म के लिए क्या हो जाएगा, हियर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर फोर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हियर इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स एंड इट इज नथिंग बट वन. सो ये अगर वन में कन्वर्ट हो गया तो रिमेनिंग टर्म इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर फोर. नाउ हियर इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो सो साइन जीरो जीरो एक्स इज जीरो सो जीरो एंड डिनोमिनेटर इज अगेन जीरो सो स्टिल इट इज इन द जीरो बाय जीरो फॉर्म. सो अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म साइन स्क्वेयर डेरिवेटिव इज टू साइन एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज ए कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर एक्स क्यूब. तो इफ वी यूज दिस साइन टू एक्स फॉर्मूला हियर देन इट इज ए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू एक्स माइनस टू एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय फोर एक्स क्यूब एज इट. Now here, if we put x equals to 0, so x equals to 0, sine 0 is 0, this is 0. So numerator term is again 0, denominator term is again 0. That means ultimately we are getting 0 by 0 form. And if it is in 0 by 0 form, so again we can apply the L hospital rule. यहाँ पे हमने apply नहीं किए थे, तो इसको जरूरत नहीं है L dash लिखने के. जब आप apply करते हो ना, तब equals to के symbol पे L dash H लिखो. That is by applying L hospital rule. We get limit x tends to 0 derivative of numerator term sin 2x ka derivative kya hoga cos 2x again derivative of angle term ye 2x ka again derivative kya hoga 2 so ye 2 mein samne derivative of this term minus 2 divided by derivative of denominator term so it is a 4 and x cube ka derivative 3x square. Now here put x equals to 0 एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो इज वन और ये यहाँ पे टू तो वन इंटू टू इज टू माइनस टू दैट इज अ जीरो.
and x is 0, so here denominator is again 0. That means it is again in the form of 0 by 0. Now, so apply again L'Hospital rule. So limit x tends to 0. यहाँ का न्यूमरेटर का जो 2 है मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ. कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x. अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्योंकि यहाँ पे सिंपली x नहीं है, ये कैसा है, फंक्शन है, तो 2x का अगेन डेरिवेटिव, तो इट इज ए 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 इज 0 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टर्म. सो ये 4 इंटू 3 ये हो गया था 12, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा अभी, ट्वाइस एक्स. Now see here, this 2 into 2 is 4 and this 12, this minus symbol. If we take outside, then minus 4 by 12 is outside. Limit x tends to 0. Remaining term dekho kya rahega? Ye 2 into 2, 4 and this minus sign outside. So remaining in numerator is sine 2x. In denominator, this 12 is outside. Remaining is 2x. जो भी एंगल में टर्म है वही सेम अगर डिवीजन में, और हियर साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x एंड हियर लिमिट इज x टेंड्स टू 0, देन दिस नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट 1. सो इंस्टेड ऑफ दिस टर्म इफ वी पुट 1 देन आंसर इज माइनस 4 बाय 12. सिंप्लीफाई दिस टर्म सो फाइनल इज 1 बाय माइनस 1 बाय. थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.